शक्तिमान आज भी शहर में कायम है साहब, और साहब का साम्राज्य। तुझे याद तो होगा कि किस तरह इस शहर पर कहर बरसाता था साहब। समझाना क्या है ये हीरोइन? मस्ती का पाउडर। इधर के कॉलेज के लड़का लड़की को मस्ती में डुबो देने का, समझाना? जी। एक महीने के अंदर अंदर ये सबको मस्ती में डुबो देने का है, इसके बाद अपना मार्केट इधर बनेगा। एक महीने तक इसे फोकट में देने का है, आदत पड़ जाएगा तो खुद ब खुद पैसे लेकर आएगा, और चोरी कर कर लाए या डाका डाल कर लाए, मगर लाएगा, और ये मस्ती का पाउडर खरीदेगा। समझा तुम लोग? चल पकड़। ए लेना, लड़की के माफिक शर्माता है क्या? खर्चे पाने के लिए, और ऐसा माल मिलता रहेगा। अपना काम सही ढंग से करने का, माल बिकेगा तो कमीशन भी मिलेगा, और नहीं करेगा तो जाना। चलो अभी फूटो तुम लोग इधर से, अपुन अगले हफ्ते फिर आएगा। चलो चलो, अपुन अभी चलता है। ऐसे कैसे चले जाएंगे मियाँ? ऐसे कैसे चले जाएंगे आप? हमसे मिले बगैर चले जाएंगे आप? कौन है ये? जी वो ये हम इनके हिंदी के प्रोफेसर हैं। नमस्कार नमस्कार। अरे आप लोगों ने हमारे नमस्कार का जवाब नहीं दिया। देखो हमने तो आपको बता दिया कि हम कौन हैं, लेकिन आप लोगों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं कि आप कौन हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप कौन हैं। हाँ, हम जानते हैं कि आप भी हमारी तरह इंसान हैं, है ना? आप इंसान है ना? इंसान है ना? आप भी है ना? हाँ, हमें बहुत कुछ पता है, सब कुछ पता है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, हटिए। हम तो ये भी जानते हैं कि ये जीप है ना? है ना जीप? और ये जीप का कैरियर है ना? हाँ, और ये जीप का दरवाजा है ना? हाँ, और देखिए ये ब्रीफकेस है ना? ब्रीफकेस। हाँ, और ये ब्रीफकेस के अंदर संसार का सबसे जहरीला हेरोइन है, हम जानते हैं। तो तुझे सब कुछ पता चल गया? हाँ हाँ, और अब इस ड्रग्स का पता चल जाएगा सबको। हम उन छात्रों को बता देंगे जो हमारे साथ आए मगर छुपे खड़े। अरे छात्रों आओ आओ, जल्दी आओ, देखो देखो इनके पास क्या है। इनके बैग में हेरोइन है, ड्रग्स है, आओ आओ। कोई आगे नहीं बढ़ेगा, और मैं तुम्हारे प्रोफेसर का भेजा उड़ा दूंगा। जानते हो ना क्या ये? अरे हम जानते हैं, ये तो बंदूक है, और ये बंदूक के अंदर की गोली है। हाँ हम जानते हैं, ये भी जानते हैं। ये तुम रखो, ये हम रखते हैं। नहीं, ये तुम रखो, ये हम रखते हैं। अरे छात्रों, ये तुम्हारे हवाले, बंदूक हमारे हवाले, आओ। जैसे स्टूडेंट अगर हर कैंपस में रहे ना, तो ये लोग यूं ही भागते फिरेंगे, और फिर कभी किसी कॉलेज कैंपस को अपना मुंह तक नहीं दिखाएंगे। अब आप लोग ऐसा करिए, अपनी अपनी कक्षा में जाइए, हम इस बैग को पुलिस को देकर आते हैं, ठीक है? अब आप लोग जाइए, जाइए आप लोग, जाइए। सर ये पैकेट। हाँ हाँ, ये भी दे दो। हाँ ये भी दे दो। अब आप लोग जाइए, जाइए आप लोग। वेरी गुड। क्या
एक प्रोफेसर की वजह से तुम्हें वहाँ से भागना पड़ा। कौन है वो प्रोफेसर? कौन है वो प्रोफेसर गंगाधर? वो बहुत ही खतरनाक था और अपन सबको उधर से बाहर ले आया। शक्तिमान, ये यहाँ कहाँ से आ गया? हेलो, न जाने शक्तिमान हमारे सामने अचानक कहाँ से आ गया है। पता नहीं शक्तिमान को कैसे पता चल गया आप उनके बारे में। उसके हाथ में वही ब्रीफकेस है जो अपन से कॉलेज में छूट गया था। क्या? वो हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। सबूत छोड़ना हमारी फितरत में नहीं। मीटिंग का वक्त हो गया है, वैसे ये बात साहब को अच्छी नहीं लगेगी। चलो। शक्तिमान, ये ब्लास्ट कैसे हो गया? किसने किया ये तो नहीं मालूम, मगर वो जो कोई भी है वो नहीं चाहता था कि मैं इन लोगों तक पहुंचूं। खैर, ये बैग लो, इसमें ड्रग्स हैं। ड्रग्स? हाँ, ये इन लोगों के हैं। लेकिन ये लोग कौन था? ये ड्रग्स माफिया के लोग थे, मगर बहुत ही नीची श्रेणी के थे। इन लोगों को जो कोई भी नचा रहा है जरूर वो कोई शातिर दिमाग का है। साहब के आदमियों तक कैसे पहुंच गया वो? सालों से इस शहर में हमारा काम चल रहा है, मगर आज तक कभी किसी ने हम पर शक नहीं किया था। फिर आज अचानक शक्तिमान हमारे आदमियों तक कैसे पहुंच गया जोरा, कैसे? लेकिन साहब, शक्तिमान हमारे आदमियों से कुछ पूछ पाता उससे पहले मैंने जीप के साथ अपने आदमियों को उड़ा दिया। हमारा सवाल फिर भी वही है जोरा, कि शक्तिमान को साहब के आदमियों के बारे में कैसे पता चला? पता नहीं साहब, मेरी हैरी से मोबाइल पर उस समय सिर्फ इतनी ही बात हुई कि जो ब्रीफ केस शक्तिमान के पास था वो ब्रीफ केस कॉलेज के किसी प्रोफेसर, क्या नाम था, गंगाधर, हाँ प्रोफेसर गंगाधर ने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर हैरी से वो ब्रीफ केस छीन लिया था। जब ब्रीफ केस छीनने वाला कोई प्रोफेसर था तो फिर उस ब्रीफ केस को लेकर शक्तिमान हमारे आदमियों तक कैसे पहुंच गया? ये बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही, लेकिन हमें इतनी बात जरूर समझ लेनी चाहिए कि शक्तिमान की नजरों में हमारा ग्रुप आ गया है और ये बात हमारे लिए खतरनाक है। ये बात शक्तिमान के लिए ज्यादा खतरनाक है जोरा। अगर हमारा गैंग शक्तिमान की निगाहों में आ गया है तो शक्तिमान भी साहब की निगाहों में आ गया है। साहब कभी बिना बात के किसी को छेड़ता नहीं, और अगर कोई साहब के रास्ते में आ जाए तो साहब उसे छोड़ता नहीं। लेकिन साहब, शक्तिमान आम आदमी नहीं है, हम जैसे लोग चाहकर भी उसे टक्कर नहीं ले सकते। खामोश। साहब को बुजदिली की बातें पसंद नहीं है। तुम लोगों ने आज तक कभी मेरी शक्ल नहीं देखी, क्या तुम्हें साहब की ताकत का अंदाजा नहीं? एक शक्तिमान तो क्या, अगर 10-10 शक्तिमान भी आ जाए तो साहब उनसे अकेला लड़ सकता है, अकेला। और उसके बाद तूने कई बार कोशिश की मुझ तक पहुंचने की शक्तिमान, तो
अब तो हो ही जाने चाहिए धमाके। फिर वही ब्लास्ट। ये क्या? ये तो सांप का अड्डा है जिसका चित्र मैंने जयकॉल के मस्तिष्क में देखा था। लेकिन इस जगह का तो मैं कई बार देख चुका हूं और मुझे कभी साहब का अड्डा दिखाई नहीं दिया। यह अचानक इस विस्फोट का इसी जगह होना और मुझे साहब का अड्डे का दिखाई देना, कहीं ये चाल तो नहीं उसकी मुझे यहां बुलाने की? परंतु कुछ भी हो मुझे अंदर जाकर देखना तो पड़ेगा ही। साहब के अड्डे का यही अंदरूनी हिस्सा है जो मैंने जयकॉल के मस्तिष्क में देखा था। ओह, तो कॉमिक्स यहां पर हैं। अब समझा कि मुझे कॉमिक्स नजर क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि साहब का अड्डा ही मुझे नजर नहीं आ रहा था। पानी है, ये पाप पानी यहां कैसे? आखिर तुमने घुटने टेक ही दिए शक्तिमान। तुम? मैं ही साहब हूं। ये मेरा अड्डा है। बहुत दिनों से तमन्ना थी तुम्हें हमसे मिलने की। बहुत बेसब्र और बेताब हो रहे थे तुम हमसे मिलने के लिए। लो शक्तिमान, साहब ने खुद तुम्हें यहां बुला लिया। बोलो शक्तिमान, क्या तुम हमसे मिलकर खुश हुए या नहीं? बोलो बोलो। साहब के हाथ में ये पाप पड़ी कैसे लग गई? तुम मुझे पकड़ना चाहते थे शक्तिमान, पकड़कर कानून के हवाले करना चाहते थे। तो आओ, उठो और पकड़ो मुझे। देखो, मैं तुम्हारे सामने ही बैठा हूं। उठो शक्तिमान, उठो, आओ और पकड़ो मुझे। उठो शक्तिमान, उठो, उठकर पकड़ो मुझे। उठते क्यों नहीं तुम? मुझे पकड़ना तो दूर, तुम खुद उठकर चल भी नहीं सकते। सुना है तुम्हारी आंखों की रोशनी बहुत तेज है, मीलों दूर की चीज भी तुम बड़ी आसानी से साफ साफ देख लेते हो। मगर मेरे इतने करीब होते हुए भी तुम मेरी शक्ल भी नहीं देख सकते, क्योंकि इस समय तुम शक्तिमान नहीं रहे। तुम्हारी सारी ताकत खत्म हो चुकी है। खत्म हो चुकी है शक्तिमान, खत्म हो चुकी है।
मुझे पकड़ना चाहते थे तुम, लेकिन अब तुम खुद साहब के शिकंजे में हो। लाचार, बेबस, मजबूर साहब के कदमों में पड़े हुए हो तुम। कोई बंधन नहीं, कोई बेड़ी नहीं, फिर भी तुम हिल नहीं सकते शक्तिमान, हिल भी नहीं सकते। तुम्हें पता है शक्तिमान, तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है, बहुत खुशी मिल रही है शक्तिमान। ये तुम्हारी नहीं, केलविश की पांच मणि का असर है साहेब। एक ही बात है शक्तिमान, ये पाप मणि मुझे तमराज केलविश नहीं दी है। तमराज केलविश पाप का देवता है और मैं पाप का पुजारी। हम दोनों की ताकत पाप है, पाप। और तुम पाप के दुश्मन हो शक्तिमान। आज पाप ने तुम्हें जीत लिया है, मजबूर कर दिया सच्चाई को अपने सामने घुटने टेकने पर। ये गलत फहमी कई बार तुम्हारे आका केलविश को भी हुई है, मगर आज तक न कभी वो सच को मिटा पाया है, न ही कभी सच को वो झुका पाया है। मगर आज तुम्हें झुकना पड़ा है शक्तिमान, पाप के सामने झुकना पड़ा है। मुझ तक पहुंचना तो दूर, तू आज तक मेरी शक्ल भी नहीं देख पाया। और मैं खुलेआम इस शहर में मेयर कुमार रंजन बनकर घूमता रहा शक्तिमान, घूमता रहा। कुमार जी आप क्या बात, शायद मैं गलत वक्त पर आ गया। आप कहीं जा रही हैं? बस मैं आप ही के घर आ रही थी। और लीजिए आप आ गए मेरे पास। जी वो क्या है ना, हमारे कॉमिक्स का पहला एडिशन 3 दिन बाद निकल रहा है, उसी सिलसिले में हम एक फंक्शन रख रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप भी उस फंक्शन में आए। श्योर। ये लीजिए आपका कार्ड। अरे गंगाधर जी रुकिए। अरे अरे देवी जी आप। अच्छा हुआ आप मिल गए, आप ही से मिलने आ रही थी मैं। क्यों, क्या बात है? किसी को तरुण महाविद्यालय में दाखिला दिलाना है? अरे नहीं बाबा, ये तो मिस्टर कुमार रंजन है जिनके बारे में अक्सर आपसे कहा करती थी। ओहो, ओहो। और कुमार जी यही है गंगाधर जी जो शक्तिमान की न्यूज मेरे साथ लाया करते थे। हेलो। नमस्कार। नमस्कार। हालांकि मैं अपने मुंह से बताना नहीं चाहता था, चलो ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। हमारे शहर के नए मेयर का नाम है मिस्टर कुमार रंजन। व्हाट? नाउ कंग्रेचुलेट मी। कुमार जी आप, ओह दैट्स ग्रेट न्यूज। मिस्टर त्रिपाठी और मेरी पार्टी के लोग मुझे जबरदस्ती मेयर बना रहे हैं। कल रात जब आपको घर छोड़ने के बाद मैं अपने घर वापस लौटा तब मुझे इस बात का पता चला। और तो और आज ही शपथ ग्रहण समारोह भी है टाउन हॉल में। यहाँ दोस्तों आज वक्त आ गया है बीच में पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित शक्तिमान की कॉमिक्स की रिलीज का। बीच में पब्लिकेशन परिवार की ओर से मेरी श्री कुमार रंजन जी से प्रार्थना है कि वो मंच पर आए और आशीर्वचन के रूप में इस मंच पर रखे दीपक को प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आइए। अब मेरा श्री कुमार रंजन जी से अनुरोध है कि अपने आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द कहें। अरे
माफ करना सुधांशु जी, माफ करना। शक्तिमान के नन्हे मुन्ने दोस्तों, देवियों और सज्जनों, हाथ मत लगाओ। और अगर यहां कहीं शक्तिमान भी है तो वो भी सुन ले भाई। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि शक्तिमान का कोई ठिकाना तो है नहीं, वो कब कहां कौन से रूप में मौजूद है ये कोई नहीं बता सकता। और वैसे भी आज शक्तिमान की कॉमिक्स का उद्घाटन है, तो हो सकता है कि वो यहीं कहीं आप लोगों के बीच में बैठकर इस प्रोग्राम को देख रहा हो। खैर, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि भीष्म पब्लिकेशंस ने मुझे यह सम्मान दिया है। इसके लिए मैं भीष्म पब्लिकेशंस का, आप लोगों का और खास तौर से गीता विश्वास जी का आभारी हूं। और आज उसी साहब ने, हाँ, साहब उर्फ कुमार रंजन ने तुझे कानून के दायरे में फंसा दिया है शक्तिमान, बेबस बना दिया है तुझे, बिल्कुल बेबस। अब आगे आगे देखना कि ये साहब और क्या क्या करता है। तुम लोगों को कुछ काम सौंपा था, हमने उसे अंजाम दे दिया है साहब। सिटी हॉस्पिटल के सामने बस्ती में पानी की टांकी में हमने वायरस मिला दिया है, कल सुबह होते ही लोग बीमार होने लगेंगे। वेरी गुड। उसके बाद तुम वहां के लोगों को भड़का दोगे किस बीमारी के फैलने का कारण अस्पताल में नजरबंद वो दोनों परग्रही है, और उन परग्रहियों को लाया कौन? शक्तिमान। बीमारी के फैलाने का कारण कौन? शक्तिमान। समाज का दुश्मन कौन? शक्तिमान। शक्तिमान, अब तुझे बदनामी से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। बहुत बुरा हाल हो गया है सबका गंगाधर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल तक ऐसी कोई बीमारी नहीं थी गंगाधर, और आज अचानक। हमारे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है देवी जी। डॉक्टर साहब, ये कैसी बीमारी है जो लोगों का इतना बुरा हाल कर रही है? बड़ी अजीब सी बीमारी है, पहली बार सामने आई है, इसीलिए ट्रीटमेंट कर पाना मुश्किल हो रहा है। परंतु आप लोगों ने इतना तो पता लगा लिया होगा ना कि इस बीमारी की वजह क्या है? हमारे सीनियर डॉक्टर ने बताया है कि इस बीमारी का कारण कोई अज्ञात विषैला पदार्थ है जो खाने या पानी के जरिए उनके शरीर में पहुंचा है। अज्ञात विषैला पदार्थ? हाँ, अज्ञात विषैला पदार्थ। ये लोग क्या पागल हो गए गंगाधर? शांत हो जाइए भाई। अरे भाई शांत। मेयर साहब, प्लीज रुकिए। क्या बात है? आप सलगुड़ का शोर क्यों मचा रहे हैं? हम शोर नहीं मचा रहे हैं, हम यहाँ अपनी भलाई के लिए आए हैं। इन्हें हमारे हवाले कर दीजिए, हम इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अभी हम यहाँ कुछ लोग ही आए हैं, शहर में लोग गुस्से में घूम रहे हैं, अगर सब के सब यहाँ आ गए तो ना ही अपने घर ही बचेंगे, ना ही आपका अस्पताल। नहीं छोड़ेंगे हम। चलो मेरे साथ, मैं कह रहा हूँ। एक मिनट, एक मिनट, आप सब लोग शांत हो जाइए प्लीज। मैं आप लोगों की हालत समझ सकता हूँ। शहर में फैली बीमारी के कारण भी मैं जानता हूँ ये परग्रही है, लेकिन ना ही आप लोग इन्हें मार सकते हैं, ना ही मैं, और ना ही हमारी पुलिस। तो फिर हमारा क्या होगा? क्या हम ऐसे ही मरते रहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं सब समझता हूँ जो आप मुझे कह रहे हैं, मैं सब समझता हूँ, इसीलिए मैंने कुछ इंतजाम किया है इन परग्रही को यहां से हटाने का और इन्हें एक सुरक्षित स्थान पर भेजने का। मैंने नासा वालों से बात कर ली है, उनके आदमी बहुत जल्द यहाँ पर आकर इन्हें यहाँ से ले जाएंगे। मिस्टर मेयर, आपका ये फैसला बिल्कुल गलत है।
परग्रहियों की वजह से कोई बीमार नहीं पड़ रहा है, समझे आप? और शक्तिमान आपको इन्हें नासा के हवाले कभी नहीं करने देगा। आप सब लोग रुकिए, आप सब लोग जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। गीता जी, मैं इस शहर का मेयर और इस जनता ने मुझे मेयर चुना है, इसलिए जनता जो फैसला करेगी मैं वही करूंगा। और हां, अगर आप शक्तिमान से मिले तो प्लीज उसे समझा दीजिएगा कि हमारे काम में टांग ना अड़ाए। आप सब लोग जो चाहते हैं वो काम हो जाएगा। ओके, चलिए मेरे साथ। शिना, शक्तिमान ने हमें कानून के हवाले करके अच्छा नहीं किया। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर कोई हमारे काम में दखल अंदाजी करे ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सब लोग तो हमें नासा भेजना चाहते हैं रिसर्च के लिए। ऊपर से हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारी वजह से लोग यहाँ पे बीमार पड़ रहे हैं। वो तो हम शक्तिमान की वजह से रुके हुए हैं, वरना यहाँ पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो हमें रोक सके। हमें तो यहाँ पर एक मिनट बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। तो सोचते क्या हो शिना? चलो शिना। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? भाग रहे हैं। तुम लोग नहीं भाग सकते, वैष्णव तुम सबके बाप होते हैं। नाम है मिस्टर सबकर। तुम्हें रोकना है रोक लो, लेकिन हम नहीं रोकने वाला कोई नहीं है। तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भाग निकले, ये जरूर शक्तिमान की चाल है। शक्तिमान ने उन दोनों को भगाया है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा कि परग्रही नासा वालों के हवाले कर दिए जाए। एक्सक्यूज मी सर, आपका ये इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है। शक्तिमान ऐसे कभी नहीं कर सकते। आप चुप रहिए गीता जी, शक्तिमान के अलावा ये काम कोई दूसरा आदमी कर ही नहीं सकता। देखिए, आप शक्तिमान को समझने में बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। जी हाँ गीता जी, क्योंकि एक आप ही तो हैं जो शक्तिमान को जानती है, उसे समझती है। क्योंकि शक्तिमान का इंटरव्यू सिर्फ आप ही ले सकती हैं, और शक्तिमान भी सिर्फ आप ही को आके इंटरव्यू देता है। लेकिन गीता जी, आप एक बात मेरी समझ लीजिए, अगली बार जब शक्तिमान आपसे मिले तो उसे एक बात समझा देना कि इन दोनों परग्रहियों को भगाकर शक्तिमान ने कानून का उल्लंघन किया है, और कानून शक्तिमान को इसकी सजा जरूर देगा।
आपका ये शक उस दिन शांत होगा जब शक्तिमान परगइयों को पकड़कर यहाँ ले आएगा और उन्हें कानून के हवाले कर देगा। देख लेना, ये मेरा आपसे वादा है। सबकर रुक जाओ। अच्छा हुआ शक्तिमान तुम आ गए। अब तुम दोनों जाने की कोशिश नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम तो पूरी तरह आजाद होकर आए। अब कौन रोकेगा हमें? मैं रोकूंगा तुम दोनों को। मैं तुम दोनों को वापस ले आया हूँ। क्या क्या? हाँ ये सच है। कानून की व्यवस्था को तोड़कर तुम दोनों कानून के अपराधी हो गए हो और मुझ पर भी कई इल्जाम लगाए जा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरे साथ वापस अस्पताल जाओ। यह संभव नहीं है शक्तिमान। अगर तुम्हारा कानून हमें मुजरिम समझता है तो समझे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिस उद्देश्य से निकले हैं उसे पूरा करके ही रहेंगे। उद्देश्य तो तुम दोनों का पूरा ही होगा। मैं तुम दोनों के साथ में, पर इस समय तुम दोनों को अस्पताल वापस चलना होगा। लेकिन क्यों शक्तिमान? क्या आकाश गंगा की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण तुम्हारे लिए तुम्हारा देश का कानून है? मैं विवश हूँ। न मैं कानून तोड़ सकता हूँ, न कानून तोड़ने वाले को छोड़ सकता हूँ। शक्तिमान का निर्माण ही हुआ है समाज में कानून और सदाचार बनाए रखने के लिए। और हमारा निर्माण आकाश गंगा की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए हुआ है। हम तुम्हारे देश के कानून के आगे विवश नहीं। लेकिन मैं विवश हूँ, और अगर हमने ही कानून तोड़ दिया तो फिर समाज में कानून तोड़ने की परंपरा शुरू हो जाएगी और फिर बलवान और निरंकुश लोग कुचलने लगेंगे निर्बल और असहाय लोगों को, और शक्तिमान समाज को इस स्थिति पर कभी नहीं जाने देगा। ऐसे विचार तुम्हारे हो सकते हैं शक्तिमान, हमारे नहीं। हम वापस नहीं जाएंगे। तो फिर मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। उसका मौका हम तुम्हें नहीं देंगे शक्तिमान। चलो सीना। मैं भागने नहीं दूंगा तुम दोनों को। शक्तिमान ये तुमने अच्छा नहीं किया। देखो मैं तुम दोनों का दोस्त हूं दुश्मन। जब तक कानून की पेचीदगी खत्म नहीं हो जाती तब तक तुम दोनों को अस्पताल नहीं जाना। ठीक है, हम चलने को तैयार हैं। गुड। शक्तिमान परग्रहियों को वापस लेकर ही आएगा। अब तो आपका शक दूर हो गया होगा मिस्टर मेयर। तुम्हारी चालाकी की मैं दाद देता हूं शक्तिमान, भगा दे भी खुद हो और खुद पकड़कर उन्हें वापस भी ले आते हो। लोगों की नजरों में हीरो बनने का तरीका अच्छा है,
ऑफिसर सर, इन परग्रहियों पर कड़ी नजर रखो और यहां की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दो। यस सर। किसी भी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यू अंडरस्टैंड सर। चलता हूं। सिटी हॉस्पिटल में नई बीमारी से ग्रस्त लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य मंत्री और शहर के मेयर काफी चिंतित हैं। मेडिकल रिसर्च सेंटर अपनी पूरी कोशिश में है कि इस अज्ञात विषैले पदार्थ से फैली बीमारी का तोड़ मिल जाए। इस मुद्दे पर शहर के मेयर श्री कुमार रंजन जी का जनता के नाम संदेश। आज जो शहर में तबाही मची हुई है, इस तबाही का पूरी तरह से जिम्मेदार शक्तिमान है। हमें जो डर था वही हुआ। शहर में फैली हुई बीमारी का कारण वो दो परग्रही हैं जिन्हें शक्तिमान लाया। परग्रहियों की वजह से सारी जनता भयभीत है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जो हम कभी नहीं चाहते थे। जब तक परग्रही रहेंगे ये मुसीबत बनी रहेगी, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। इसीलिए प्रशासन ने यह फैसला किया है कि इन परग्रहियों को नासा को सौंप दिया।